मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आर्टिकल 370 के सभी खंड लागू न करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार के इस फैसले को भले ही कांग्रेस और पीडीपी जैसी पार्टियां जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा बता रही हो, लेकिन इस फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी के रेट करीब 50% के करीब उछाल ले लेंगे। दरअसल मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अगर चाहे तो वो जम्मू कश्मीर में घर, प्लॉट, खेती की जमीन, दुकान वगैरह खरीद सकेगा। पहले केवल राज्य का निवासी ही संपत्ति को खरीद सकता था और भारतीयों को संपत्ति खरीदने पर रोक थी। मोदी सरकार के इस फैसले के जम्मू कश्मीर के रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त उछाल की उम्मीद की जा रही है। जानकार बताते हैं कि अचानक 50% तक प्रॉपर्टी की कीमत में तेजी देखी जा सकती है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में देश भर की तुलना में प्रॉपर्टी की कीमत बेहद कम है। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में फिलहाल 2300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से घर मिल जाते हैं, जबकि यह इलाका लोकेशन के लिहाज से बेहतरीन है। पंथा चौक इलाके में स्टेडियम और केंद्रीय विद्यालय भी है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी के दाम देश के दूसरे शहरों के मुकाबले बेहद कम है। वहीं जम्मू कश्मीर के पक्की ढक्की इलाके में भी प्रॉपर्टी के रेट में भारी उछाल की संभावना है। पक्की ढक्की के पास ही मुबारक मंडी प्लेस है, जहां फिलहाल 40 लाख रुपए में 1634 स्क्वायर फीट का 6 मरला घर आसानी से मिल जाता है। जम्मू कश्मीर की तुलना में देश के अन्य शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में भी जम्मू कश्मीर से ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अब तक बाहरी लोग घर जमीन नहीं खरीद सकते थे, जिस वजह से प्रॉपर्टी की कीमत एक नॉन मेट्रो सिटी के मुकाबले भी कम है। आज की तारीख में देश के दूसरे हिस्सों में एक नॉन मेट्रो शहर में घर की कीमत 60 लाख रुपए के आसपास है, जबकि दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में तो घर की कीमत 10 करोड़ रुपए तक है। लेकिन अब जब सबके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर में तेजी से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। देश के दूसरे हिस्से से लोग निवेश के लिए जम्मू कश्मीर की ओर रुख करेंगे, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।